मेरी तरफ़ से तनोली टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दासू टू चिलास की सैर कराने वाला हूं और साथ ही ऐसी शरह की भी मालूमात देने वाला हूं जिसे दुनिया के आठवें अजूबे का नाम भी दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शरह कराकरम की, जिसकी लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है और इस शरह को बनाते हुए 1000 लोगों की जान भी ज़ाया हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दासू कोहिस्तान में वाकई एक सिटी है और ये सिटी डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान का मरकजी शहर भी कहलाता है। दासू खुश्क बंजर पहाड़ों की सरजमीन है। दासू और डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान की आबादी की अगर बात की जाए तो इसकी आबादी दूर दूर गांव में आबाद है और यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर पठान हैं और पश्तो ज़ुबान यहाँ पर बोली जाती है। दासू को दूसरे शहरों से मिलाने के लिए जो रूट्स इस्तेमाल होता है वो शरह कराकरम है। शरह कराकरम बिल्कुल इस सिटी के अंदर से हो के गलगित की तरफ जाती है। दासू से अगर कुछ शहरों के दरमियानी फासले की बात की जाए तो यहाँ से इस्लामाबाद 352 किलोमीटर, एबटाबाद 217 किलोमीटर, मानसेरा 191 किलोमीटर, स्वात यहाँ से 169 किलोमीटर और यहाँ से चिलास 126 किलोमीटर, गलगित 257 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। यहाँ से पीछे हम बटग्राम, थकोट, बशाम सिटी और पतन को काफ़ी पीछे छोड़ा है। जो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है वो भी इसी YouTube के चैनल पे मैंने लोड की हुई है। यहाँ से पीछे हम लोगों ने जितना भी सफ़र किया तो दरिया हमारी बिल्कुल राइट साइड पे चल रहा था, तो यहाँ इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम दरिया की लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आगे का जो सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। और दासू को क्रॉस करने के बाद आपके पास जो पाकिस्तानी नेटवर्क की सिमें होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आगे एस कम की सिम चलना स्टार्ट हो जाती है। और दासू के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ आपको नॉन कस्टम नज़र आएंगी। दासू से निकलने के साथ ही हम लोग शरह कराकरम पे सफ़र कर रहे हैं। अभी तो ये रोड बिल्कुल ठीक लग रही है। इससे पहले हम लोगों ने जो सफ़र किया था बशाम टू दासू की तरफ, उससे ये रोड काफ़ी आसान लग रही है, काफ़ी प्लान हो गई है। जहाँ से आके यहाँ से ये शरह बिल्कुल दरिया के साथ साथ से गुजरती है और यहाँ से ही आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो दरिया सेन बिल्कुल साफ और शफाफ आपको दिखाई देगा। यहाँ से अगर हम पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यहाँ से पीछे हम लोग जो सफ़र तय करके आए हैं उसमें पहाड़ों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये ऊंचाई यहाँ से आके आराम आराम से कम होना स्टार्ट हो जाती है।
थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद हम लोग दासू में बिल्कुल उस जगह पे पहुँच आए हैं जहाँ पे द्रैसेन के ऊपर दासू में एक डैम बनाया जा रहा है। इस जगह पे पहुँच के रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। ये प्रोजेक्ट देखने में काफ़ी बड़ा नज़र आता है और यहाँ पे एक टनल भी बनाया जा रहा है जो कि रोड की राइट साइड पे इस पे काम शुरू है। कुछ लोग दासू डैम के ऊपर काफ़ी वीडियो वगैरह बना रहे हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि दासू डैम का काम मुकम्मल हो गया और यहाँ से इतनी बिजली पैदा हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं, अभी तक इसका काम बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हुआ और यहाँ पे कोई भी डैम तमीर नहीं किया गया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको शराय कराक्रम के बारे में भी मालूम देने वाला हूँ। इस वीडियो में इस शरा को कई नामों से जाना जाता है जैसा कि चीन हाईवे, शराय रेशम, और अगर इसका मुख्तसर नाम देखा जाए तो N35 के नाम से भी इस शरा को जाना जाता है। यह शरा पाकिस्तान को चीन से मिलाने का वाद ज़मीनी रास्ता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह शरा दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करती हुई चाइना से मिलती है। इस शरा की टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है जिसमें से 887 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर का हिस्सा चाइना में बना हुआ है। इस शरा की इब्तदा पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल से होती है। हसन अब्दाल से हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, बशाम, दासू, चिलास, जगलोड, गिलगित, उंजा से होती हुई ये चाइना में दाखिल हो जाती है। ये शरा 1960 से लेके 1980 के अरसे में बनाई गई है। इस रोड को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना मुश्किल काम था और कितने बड़े बड़े पहाड़ों को कटाई करनी है, तो उस वक्त के लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल काम था और इसी वजह से इस शरा को दुनिया के 8वें अजूबे का नाम भी दिया गया। उस टाइम इस शरा पे काम करते हुए 1000 लोगों की जानें भी जाए हुए हैं जिनमें से 800 पाकिस्तानी और 200 चाइनीज़ वर्कर थे। इस शरा से गुजरते हुए द्रैसेन कई कई जगहों से बिल्कुल आपको वाजिया और शफाफ नज़र आता है जो कि रोड के साथ साथ ही सफ़र करता रहता है। तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग अभी साजन के एरिए में दाखिल होने वाले हैं। तो यहाँ से चिलास अभी भी 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
अगर दासू और चलास के दरमियानी फासले की बात की जाए तो 126 किलोमीटर का फासला है इन दोनों शहरों के दरमियान, और यहाँ से गाड़ी पे तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं आपको सफ़र करते हुए। चलास से जाके ये रोड गिलगित बल्तिस्तान के एरिए में दाखिल हो जाती है। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको शहर काराकोरम के बारे में मालूमात दे रहा था, शुरू में जब इस रोड को तैयार किया गया तो उस टाइम ये रोड बिल्कुल सिंगल था, जिससे सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती थी और सामने से आने वाली गाड़ी कहीं साइड पे लगा के दूसरी गाड़ी को रास्ता देना पड़ता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस रोड को मज़ीद कुशादा कर दिया गया। इस वक्त इस रोड पर 2 गाड़ियाँ नॉन स्टॉप आ और जा सकती हैं। इस रोड पे स्पीड लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर आप 20 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। अगर 20 से ज़्यादा की स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चलानी है तो ये सामने ही एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सड़क पाड़ी है बेवकूफ़ मत बने। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपने बेवकूफ़ बनना है तो यहाँ पर आप 120 की स्पीड से भी गाड़ी चला सकते हैं, ताकि आप गाड़ी समेत नीचे दरिया में पड़े हुए हों। मज़ीद थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद हम लोग अभी शातल से गुजर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू इसका आ रहा है, बिल्कुल दरिया के किनारे ये गांव वाक़ है, तो यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है ये। एक दफ़ा फिर शरा काराकोरम की बात की जाए तो शरा काराकोरम से जगलोट के मकाम से दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों का भी नज़ारा किया जा सकता है, जहाँ से कोए अमालिया, कोए इंदुकाश और कोए काराकोरम आपस में मिलते हैं। जी तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग पहुँचाए हैं चलास के अंदर। यहाँ पर एक चौक सा बना हुआ है, यहाँ से एक रोड जुदा हो के चलास सिटी की तरफ चला जाता है और गिलगित सकर्दू की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से सीधी आगे की तरफ निकल जाती हैं। तो हमने भी गिलगित की तरफ जाना है, गिलगित की तरफ जाने के लिए हम लोग भी इसी रोड पर अपना सफ़र जारी रखेंगे।